47 आज है 47 आप सोचो तो खैरियत से जो मेरा मोबाइल था वही बंद हो गया इतनी हीट में और अभी अब अंदर आए हैं तो अब चालू हुआ है। कूफा की ज़ियारत के लिए निकले हैं अभी ग्रुप लेके। एक दो किलोमीटर ही जैसे हरम से जिस बाहर निकल के थोड़ी गली में घुसते हैं तो मस्जिद हनाना आ जाती है। तो सबसे पहले अपने ज़ियारत करेंगे मस्जिद हनाना की और अपने आगे भी बस चली रही है थोड़ी ज़ियारत के लिए। ये जो राइट साइड पे दिख रही है मस्जिद हनाना है, आपको ये ये मस्जिद वो मस्जिद है जहाँ करबला के वाक़े के बाद जब अहले बैत को बंदी बना के कूफा की तरफ ले जा रहे थे तो रास्ते में इस मस्जिद पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों के सर मुबारक इस जगह पे रखने में आए थे और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद उन्होंने भी इस जगह पे दो रकात नमाज़ पढ़ी थी। और जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस जगह पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक रखे गए थे इसके लिए। सो इस जगह की ज़ियारत है ये मस्जिद हनाना की और यहाँ दो रकात नमाज है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक की जगह की मस्जिद की। मस्जिद हनाना का मतलब तो अलग होता है इस वजह से, यानी हिलने वाले मीनारे की मस्जिद, जो हिल गए थे मीनारे उसकी किस्सा अलग है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक रखा गया था इसके लिए इस मस्जिद को मस्जिद उल रसूल हुसैन भी कहते हैं। इस मस्जिद में मदरसा भी चल रहा है तो मदरसे के बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, वहाँ भी उस्ताद और मदरसे में बच्चे पढ़ रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं। एक बोहरा कम्युनिटी के ग्रुप आए हुए हैं और ये मदरसा के बच्चे हैं।
حضرت کمیل کا روزہ ہے یہ مولا علی کے خاص صحابیوں میں سے ایک اور جس کے اوپر دعائے کمیل مولا علی نے ان کو بتائی تھی اور وہ آج بھی ہم سب پڑھتے ہیں دعائے کمیل یہ ان کا روزہ ہے یہ دیکھو حضرت کمیل زیاد اور کمیل کا روزہ مسجد ہے سہلا اور ہماری جماعت تو مسجد سہلا میں آج زیارت کریں گے سات مصلے ہیں الگ الگ نبیوں کے اور اماموں کے اور اس مسجد کے بارے میں تو بہت ساری ہسٹری ہے انشاءاللہ اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گا آج صرف یہ گروپ کو لے کے زیارت کروائیں گے مسجد سہلا کی اور اس کے بعد پھر مسجد کوفہ جائیں گے थोड़ा सा आ गया जो मोमिनो मस्जिद सहला जे एक्चुअली अत्यारे थोड़ा एक्सपेन्ड कर मोटू बनावामां आव्युं छे वर्षों थी एनु काम चालू है तो थोड़ू थोड़ू मोटू थतुं रहे छे પણ એની જે એક્ચ્યુઅલ બાઉન્ડ્રી હતી ને એના માટે જો અહીંયા અહીંયા બ્લેક કલરનું બોર્ડ ઉપર અહીંયા જે છે ને ઉપર લાગેલું છે એ એકચ્યુઅલી એક્ચ્યુઅલ બાઉન્ડ્રી હતી જ્યારે એક્ચ્યુઅલ મસ્જિદ હતી તો ચારો તરફ બાઉન્ડ્રી છે કે આ એક્ચ્યુઅલ સહેલા મસ્જિદ હતી ને હવે આટલી મોટી કરી છે તો અહીંયા આપણે શું કરવાનું છે સૌથી પહેલાં તો બધી જાહેરાતો કરવાની છે અને જાહેરાતોમાં શું કરવાનું છે એમ કે જો બધાના નામ લખેલા છે આ જે મકામે જો સાલે ખિઝર અલૈહિસ્સલામની જગ્યા છે પછી આ ખૂણામાં તમે જોશો તો નબી સાલેહીન લખ્યું છે ત્યાં જનાબે ઇબ્રાહીમ અલી ઇસ્લામની મુસલ્લો છે પછી અહીંયા પહેલાં એક ઇમામ ઝૈનુલ આબેદીન અલી ઇસ્લામનો મુસલ્લો છે વચ્ચે ઇમામ મહેદીનો મુસલ્લો છે અને લાસ્ટમાં એક મુસલ્લો એવી રીતે ટોટલ સાત મુસલ્લા છે તમે સાતે જગ્યા ઉપર માત્ર ઝિયારત કરીને આવી જઈએ આપણે અને પછી અગર બે રકાત નમાઝ પડી હોય મસ્જિદ સહેલાની તો અહીંયા વચ્ચે ઇમામ મહેદીની જગ્યા સારી છે ત્યાં નમાઝ બે રકાત પડીને પછી જઈએ આપણે આવી રીતે કરીએ તો કેવી રીતે શરૂ કરીએ અહીંયાથી જ કરીએ આપણે અહીંયાથી હા પછી એવી રીતે કરીએ આપણે મકામે નબી ઇદ્રીસ
मकाम नबी अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम। मकाम अंबिया व सालेहीन अलैहिस्सलाम। ये मकाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम है और ये अभी तामीर हो रहा है बाहर मेन सेंटर में, और ये उसके बाद हम लोग ये अंदर जा रहे हैं जनाब ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के मकाम पे। मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मस्जिद कूफा हम मस्जिद कूफा में इस बार बाबे फील की तरफ उतरे हैं, क्योंकि ज्यारत करते करते हम जब मैसम तम्मार की तरफ जाएंगे तो वहाँ से एग्जिट डायरेक्ट है। तो फिर मैंने बस वाले को बोला कि हमको इस तरफ ले किया, तो यहाँ से हम ज्यारत करते जाएंगे तो वन वे ही हमको सिर्फ चलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है कि चलना बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसको रोड क्रॉस करना पड़ेगा, थोड़ा संभाल के रोड क्रॉस करना प्लीज़। आ जाओ। ये मस्जिद कूफा है और उसका ये बाबे फील है, और उसके एग्जैक्ट सामने ये है मज़ार सैयद अल खदीजा बिनत इमाम अली बिन अबी तालिब, मौला अली की बेटी हैं हज़रत खदीजा, उनका एग्जैक्ट सामने उसका रोज़ा है। सो पहले हम वो रोज़ा की ज़्यारत करेंगे बीबी खदीजा की, और उसके बाद फिर ये बाबे फील से हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे। आगे सोबान लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा गेट के ऊपर, सोबान का मतलब सांप होता है, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, मैं फिर से इंशाल्लाह इसकी स्टोरी बताऊँगा कि इसको बाबे सोबान क्यों कहते हैं। ये रोज़ा कब से तामीर हो रहा है? खजूर तो ये रहे लेकिन कच्चे हैं, एकदम कच्चे हैं, इसके सीजन आई नहीं है। एकदम मस्जिद कूफा के बाहर एकदम नीचे झाड़ है और खजूर दिख रहे हैं आपको। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये खिज़र अलैहिस्सलाम के मकाम पे मौला अली के मकाम जहाँ वो फैसला सुना रहे थे।
ये जो हौज बीच में है, ये नूह अलैहिस्सलाम का जब कश्ती डूबी थी, वो जो पानी अल्लाह ने जहाँ से निकाला था, पूरा दुनिया वगैरह कह रहा था सिर्फ नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जो पानी में तैरी थी, यानी पानी जो शुरू किया था वो ये जगह से शुरू किया था। नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे जो पानी निकला था अल्लाह ने जो निकाला था, और अल्लाह ने उनकी उनकी सिर्फ कश्ती को तैराया था पूरी दुनिया में, तो जो पानी जहाँ से निकला था वो ये जगह है। અહીંયા તમારે નમાઝ પડવી હોય તો પડી શકો છો મૌલાલીની મસ્જિદમાં। પહેલા તો એટલે અહીંયાની मौला अली के ये मुनाजात है, यहाँ बता रहा हज़रत हानी बिन उरवा की ज़ियारत यहाँ है, हज़रत मुस्लिम बिन हकल के रोज़े के बिल्कुल सामने। हज़रत हानी बिन उरवा की ज़ियारत पे आए हम। जिन्होंने हज़रत मुस्लिम बिन अकील को कूफा में पनाह दी थी, और हज़रत मुस्लिम बिन अकील भी शहीद हो गए, और उनके साथ साथ हज़रत हानी बिन उरवा को भी शहीद किया गया। ये रूम है मौला अली के गुसल के, और ये रूम में यहाँ देखो गुसल दिया था मौला अली को ये रूम में, और मौला अली का जो बीर है इमाम अली, जिस कुएं का पानी से, वो कुएं का पानी ये कुएं में है। मौला अली का घर है ये। यहाँ सब रूम थे, ऐसे रूम है, और पहले यहाँ नाम भी लिखे हुए थे, अभी नाम हटा दिए उन्होंने, एंड पूरा मौला अली का घर है।
इमाम अली के घर के अंदर जो कुआ था उसका पानी की पाइप अभी बाहर निकाल दिए हैं, यहाँ तो यहाँ से पानी पी सकते हैं उसका। 47 डिग्री है, मस्त गर्मा गर्म, होट सूख जाए हैं, पाँव जल गए चप्पल बिना। अभी ये हम लोग अपने मस्जिद कूफा से निकले, अब चलते चलते हम जा रहे हैं हज़रत महसम तम्मा के रोज़े पे आखिरी ज्यारत आज की, और ज्यारत करके फिर इंशाल्लाह ताला हम लोग खाने जाएंगे, भूख भी लगी है। तो ज्यारतें अल्हम्दुलिल्लाह आज सब ख़त्म हो गई। सबसे पहले हमने मस्जिद हन्नाना गए, उसके बाद हज़रत कुमैल की वहाँ ज्यारत की, उसके बाद हज़रत बीबी खदीजा मौला अली की बेटी हैं यहाँ ज्यारत करी, उसके बाद हमने मस्जिद कूफा में सब मकामात की ज्यारत करी। अंदर ज्यारतें करते करते हम लोगों ने हज़रत हानी बिन उरवा, हज़रत मुस्लिम बिन अकील की ज्यारत की, मौला अली को जहाँ ज़रबत लगी थी 19वें रमज़ान को उधर हमने ज्यारत की। अंदर तामीर हो रहा है एक्चुअली, तो उन्होंने जाली को थोड़ा सा आगे करके वो उस जाली की ज्यारत करी। एक्चुअल जो जगह है महरा वो थोड़ा सा पीछे है, वहाँ भी तामीर चल रहा है, कुछ रिनोवेशन जैसा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो बस अभी आज की ज्यारत है, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ ज़्यादा गर्म है यार, एकदम सूख जाओ ऐसा। सो 47 आज है, 47 आप सोचो 47 में भर धूप में हम चल रहे हैं, खुदा ही खैर करे। देखो मैं बताता हूँ, लोग भी चल रहे हैं आगे, देखो इतना चलने का है, ये चलने में हमारे पानी सूख जाता है बॉडी का, तो कहाँ पानी पीते रहें 47 की गर्मी में। और कुछ मोमिन पीछे आ रहे हैं, और वो पीछे दिख रही है मस्जिद कूफा पूरी। वैसे तो ये गाड़ी है, अगर खाली मिल जाए तो इसमें आ सकते हैं। सो खैरियत से जो मेरा मोबाइल था वही बंद हो गया इतनी हीट में, और अभी अब अंदर आए हैं तो अब चालू हुआ है। तो ये हज़रत मैसम तम्मार का रोज़ा है, बाहर मेरा मोबाइल ही बंद हो गया था, और अब हम जा रहे हैं होटल पे वापस। अब मेरे मोबाइल के अंदर बैटरी भी बहुत कम है, और जगह भी पूरी हो गई है, और बहुत गर्मी है बाहर, तो हीट में मोबाइल बंद हो जाता है। तो आज की ज्यारत और ब्लॉग के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मैं बाकी की ज्यारत का ब्लॉग फिर से बनाऊंगा, और फिर इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए, थैंक यू। आप लोगों के लिए भी फिर से दुआ करता हूँ मैं कि आपको यहाँ जल्दी से जल्दी आना नसीब हो, और आपकी ज्यारतें अल्लाह सब की कबूल करें, अल्लाह ज्यारतें करें।